हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू माई थिंक में। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है चार आँखों की कहानी। दो ये आँखें और दो वो आँखें अक्सर किया करती थी कई बातें, जज्बातों को बयां किया कई बार पर लफ्ज थे गायब हर बार। ये चार आंखें करती थी बातें तमाम, कहती भी यही सुनती भी यही जज्बात तमाम। वो दो आंखें ज़्यादा कहती थीं, ये दो आंखें तो बस समझने की कोशिश करती थीं। दीदार को जब बेचैन होती हैं चार आंखें, जाने क्या क्या करवाती थी हरकतें। कभी दीदार की चाह में उन दो आंखों ने पैरों को उछलने पर मजबूर किया, तो कभी खिड़की पर खड़ा रखा। कभी दीदार की चाह में इन दो आँखों ने उनके राह का पहरेदार बनाया, तो कभी चांद देखने के बहाने दूसरे के छत तक पहुँचाया। दीदार को जब बेचैन होती हैं चार आँखें, जाने क्या क्या करवाती थी हरकतें। जब उन आँखों ने इन आँखों में मिलन की बेताबी देखी, उन आँखों ने यह कह मन को शांत किया, हूँ मैं यहीं तेरे सामने फिर यह अधीरता क्यों, रख थोड़ा काबू खुद पर। उन दो आंखों के पहरे में था एक अलग ही सुकून, लेकिन जिंदगी की कश्मकश ने हरा दिया। बरसात की उस रात मरने के ख्याल ने रुला दिया। देख ये सब वो आंखें कहने लगी, क्यों बहा रही हूँ आंसू उनके लिए जिन्हें मोल नहीं इनका। देख मुझे बस चाहूँ हर पर देखना तेरा मुस्कुराता चेहरा। उन आंखों ने यह कह मन को शांत किया। शीतल पवन का वो झोंका दे गया जीवन को एक नया मोड़, जीने का एक नया ढंग, जिंदगी को एक नया रंग। और देखने लगी ये चार आँखें सपने नए कई, फिर जिंदगी ने ली करवट, विरह का वो क्षण भी आया। वो दो आँखें बस कह गई अब जाना होगा मुझे, पर वादा कर हर पर मुस्कुराना होगा तुझे, खुलकर हर क्षण को जीना होगा तुझे, दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखना होगा तुझे। भले ही भूल जाना मुझे, पर मेरी इस बात को याद रखना होगा तुझे। अब बस ये दो आंखें यही कहती, कोई जाए और कह दे उन दो आंखों से, ये दो आंखें अब भी खड़ी हैं वहीं चार होने के इंतजार में, जहाँ छोड़ गई थी वो दो आंखें विरह की अगन में। ये कहानी थी चार आंखों की, उनके जज्बातों की, नहीं थी ये कहानी लफ्जों की, इसीलिए तो सालों बाद भी ताज़ा है खुशबू इनकी। थैंक यू फ्रेंड्स।